उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या एनडीए में बड़ा खेला हो गया है? बिहार की बात हम कर रहे हैं, बिहार के उपेंद्र कुशवाहा जो पहले प्रत्याशी भी थे काराकाट से, लेकिन पवन सिंह के कारण उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा है। उसके बाद जो है चर्चाएं तेज हुई कि देखिए अब उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में एमएलसी बनाया जा रहा है। वह एमएलसी के पद जो है जदयू के खाते में था, जदयू की ओर से जो है वह उन्हें नहीं बनाया गया है, एमएलसी का पद जो है उन्हें नहीं दिया गया है। उसके बाद जो है मामला तेज हो गया है कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा को अब एमएलसी भी क्यों नहीं बनाया, यानी बिहार विधान परिषद का सदस्य भी नहीं बनाया गया है। एमएलसी का पद के लिए जो है भगवत सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार जदयू की तरफ से बनाया जा रहा है। अब बताया ये जा रहा है कि देखिए कुशवाहा वोट बैंक जो है वो राजद की ओर घिस रहा है, राजद की ओर आ रहा है। इसको लेकर के नीतीश कुमार भी एक्टिव रह रहे हैं। लवकुश का मामला भी सामने आपको आया होगा, कुछ दिन पहले लवकुश का भी मामला चला था, लवकुश यात्रा जो है बीजेपी निकाली थी। लेकिन आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का जो मामला है सामने आया है कि एमएलसी पर बात हुई थी, लेकिन अब जो है उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी नहीं बनाया गया है। आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू से निकले थे तो उसके बाद अपनी पार्टी जो है वो बनाए थे, लगातार उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो निकल कर चले आए थे जदयू में, एक तरह से कहे जाए तो ये भी खबर चली थी कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा वो भंग हो जाए, वो टूट जाए। इसको लेकर के सिवान में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष उनकी पत्नी को सिवान से सीट दिया गया था। आपको बता दें कि तमाम बातें जो है वो लगातार हो रही, इससे पहले लोकसभा में भी वो कहे थे जब हार का सामना करना पड़ा तो वो कहे थे कि देखिए पवन सिंह को कौन वहाँ पे वो प्रत्याशी बनाया, वो कोई छुपा हुआ थोड़ी मामला है, यानी कहे तो बिहार प्रदेश बीजेपी से नाराज चल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। इसको लेकर के भी कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो मामला सामने आया कि आखिरकार अब विधान परिषद में जो है उनको एमएलसी बनाया जाएगा, बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जदयू के खाते में एक विधान परिषद का सीट आता है तो वो जो है कुशवाहा जाति के आदमी को खड़ा कर देते हैं, जिनका नाम भगवत सिंह कुशवाहा है, और कुशवाहा जी का वोट बैंक अगर लेना है नीतीश कुमार को तो वो प्रत्याशी खोज करके निकाल दिए हैं। आखिरकार क्या अब एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा का कोई वर्चस्व नहीं रह गया है? क्या कुशवाहा के नेता उपेंद्र कुशवाहा नहीं है? सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कुशवाहा के नेता सक्सेस नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण उनके ठुकराया जा रहा है। आपको बता दें कि काराकाट से जो है एनडीए प्रत्याशी हुए थे, नरेंद्र मोदी भी उनके प्रचार करने आए, बड़े एनडीए के कई बड़े नेता जो है उनके चुनाव प्रचार में आए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसको लेकर के कई सवालें खड़े हुए कि देखिए पवन सिंह के कारण जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर भी नाराजगी थी कि देखिए बिहार बीजेपी से भी नाराज चल रहे थे, देखिए हमें हराने के लिए वहाँ पर खड़ा कर दिया गया। ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन जब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे उस समय एयरपोर्ट पर बोल कर गए थे कि किसने खड़ा किया उसको, इसी से छुपा हुआ थोड़ी है। आपको बता दें कि वहाँ से जो है वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, आखिरकार एमएलसी बनाने की बात थी, लेकिन अब जैसे ही एमएलसी का सीट खाली हुआ और उसके बाद जदयू के प्रत्याशी को वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है, क्या उपेंद्र कुशवाहा का कोई अस्तित्व नहीं रहा एनडीए में? ये सवाल रहेगी। आखिरकार क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाया गया, ये भी सवाल रहेगी। आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सस्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।